कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व में से 50 लाख बैरल रिलीज करेगा। एक टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसकी आधिकारिक घोषणा शाम या देर रात तक होने की उम्मीद है। कच्चे तेल के इमरजेंसी स्टॉक को रिलीज करने का प्लान अमेरिका ने भारत, जापान, चीन समेत अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ मिलकर बनाया है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। भारत के पास ईस्ट और वेस्ट कोस्ट की 3 लोकेशंस पर लगभग 3.8 करोड़ बैरल कच्चे तेल का स्टॉक है। इसमें से 50 लाख बैरल 7 से 8 दिनों में रिलीज किया जाएगा। स्टॉक को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड MRPL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL को बेचा जाएगा। ये दोनों रिफाइनरी पाइपलाइन के जरिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व से जुड़ी हैं। अधिकारी ने कहा कि बाद में और भी ज्यादा स्टॉक को रिलीज किया जा सकता है।